विनोद कुमार जी, जैसे आपने आज बताया आपके पास में 1 करोड़ वेटीवर है, जो कि अगर हम उत्तराखंड में जो स्लोप एवलांच आते हैं, जो सड़क बनी है चारधाम यात्रा की और वो रोड खिस सकती है, उसमें अगर वेटीवर लगाए और ये लेमन ग्रास वगैरह लगाए, तो क्योंकि इसकी जड़ें 6-2-3 मीटर तक जाती हैं, बहुत तरीके से वर्ल्ड के अंदर सबसे सस्ता और कारगर जो बात है वो वेटीवर से स्टेबलाइज करने का है, और उससे ये जो गंगा वगैरह का जो तट है, जो कटान होते हैं, वो भी रोका जा सकता है। तो वेटीवर का आपने बताया कि आपके पास में 1 करोड़ है, तो थोड़ा आप वेटीवर के बारे में बताएंगे, आपकी कैसी जानकारी? जो खस की खेती है, ये खस हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। हमारे पास इस समय 1 करोड़ रेडी हैं, इसके पौधे तैयार हैं। और जो जहाँ तक आपने कहा चार धाम यात्रा प्लस जो भी आजकल हाईवेज का निर्माण हो रहा है, उनके जो स्लोब्स हैं जिन पे मिट्टी कट रही है, उन पे अगर इसको लगाया जाए, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है उसके साइड को हम पक्का कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको पक्का करने की। इससे एक तो वातावरण शुद्ध होएगा, दूसरा जो इसकी जड़ है वो 3-3 मीटर जमीन में नीचे चली जाती है और मिट्टी सरक ही नहीं सकती किसी उस पर भी, ये पत्थरों में भी अपनी जड़ें पकड़ बना लेता है और इतना मजबूती से जकड़ लेता है कि कितना ही पानी आ जाए वो नहीं है। दूसरा इसका सबसे बड़ा काम है वाटर प्यूरीफायर, ये वाटर को सारे जितने भी उसमें केमिकल्स हैं उनको सबको एब्जॉर्ब करके और वाटर को बिल्कुल प्योर करके वापस करता है। तो जितने गंगा नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, अगर गंगा के पूरे बेसिन में हरिद्वार से लेकर के और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक सीमा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की है, गाजीपुर तक है, अगर ये लगा दिया जाए तो गंगा बिल्कुल शुद्ध निर्मल जल जैसा गोमुख पे है ऐसा जल गाजीपुर बॉर्डर पे हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट? हाँ, ये पानी को भी एल्केलाइन बनाता है जी, और लेकिन जो आप बता रहे थे एक बार वो मैं बता रहा हूँ, हरिद्वार से कौन कौन सी जगह पे और किस किस तरीके से ये जो इस नहीं हो पा रहा है, ये इसका कारण है सबसे बड़ा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, भारत सरकार इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, परंतु ये पानी बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है और जो जलीय जीव है वो लगातार मरे जा रहे हैं। हर जो बिजनौर बैराज है यहाँ से लेकर के और नरोरा डैम तक, साफ पानी की जो डॉल्फिन मछलियां हैं वो यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं है इस समय ये। सब गैंजेटिक डॉल्फिन जिन्हें सूस भी कहा जाता है, जिन्हें सूस भी कहा जाता है, वो केवल यहाँ पर मौजूद है और वो अभी उसकी 65 काउंटिंग हुई थी लास्ट ईयर, उनमें से भी 4-5 मर चुकी हैं। ये मरी क्यों, इस पे वन विभाग और ये सब लोग चुप हैं, क्योंकि ये हकीकत जानते हुए उसको छिपाए हुए हैं। हकीकत क्या है, जो जैसे ही हम गंगा प्लेन में जाती है, पुरकाजी से समझिए, जैसे ही पुरकाजी से लेकर के सुकरतार और यहाँ जाती है, तो इस गंगा के दोनों तरफ जो साइड हैं उनमें हरियाणा के किसान आकर के प्लस यहाँ के भी लोग खरबूजे और तरबूज की खेती करते हैं, जिसे हम प्लेज लगाना कहते हैं। नहीं, वो जो आप बता रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ सर, वही बता। तो ये प्लेज की खेती करते हैं, प्लेज की खेती करने के लिए ये क्या करते हैं, उसमें ड्रिल करते हैं रेत के अंदर, उसमें पहले मुर्गी की बीट डालते हैं, फिर डाई डालते हैं, फिर केमिकल्स डालते हैं, और केमिकल्स डालने के बाद में उसमें पौधा लगाया जाता है तरबूज का और खरबूजे का प्लस ककड़ी और ये। फिर इसमें जो ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन एक होता था पशुओं के दूध निकालने के लिए लगाया जाता था, उस इंजेक्शन को लगाते हैं, प्लस पेस्टिसाइड पर डे छिड़का जाता है उनके ऊपर, और जब इनकी फसल तैयार हो जाती है, फसल तोड़ के ये लोग तो निकल जाते हैं वहां से, बरसात के दिनों में फ्लड आता है। नहीं, ये जो जमीन है ये अलॉट कैसे होती है इन लोगों को? कुछ नहीं, ये तो अवैध रूप से लोग खेती करते हैं, इसमें जो क्षेत्रीय पटवारी है, वन विभाग का जो मैट होता है, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं, डिप्टी रेंजर, रेंजर, इवन SDM तक, हर तहसील का SDM इसमें मिला हुआ है, और ये इसे 1,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ये जो क्षेत्रीय पटवारी है वो, और वन विभाग, जहाँ वन विभाग की लैंड है वन विभाग का आदमी उन्हें देते हैं, उनसे एडवांस पैसा लेते हैं, फिर ये खेती कराई जाती है। और ये बात पता नहीं कैसे ऊपर तक नहीं जाती है और हर साल यही चक्र दोहराया जाता है, और इसी कारण से नमामि गंगे प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, गवर्नमेंट का गंगा का पानी शुद्ध नहीं हो पा रहा। इसमें सब लोग जितने वन विभाग के उच्च अधिकारी हैं,
रिवेन्यू डिपार्टमेंट के इवन एसडीएम तक इसमें इन्वॉल्व है और क्षेत्रीय लेखपाल, वन विभाग का मैट, चौकीदार सब लोग मिलकर और ये इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पलीता लगा रहे हैं। अगर ये जो स्लोप्स हैं जिनमें ये पलेज जो मतलब खरबूजे तरबूजे की जो खेती को पलेज बोलते हैं, अगर वो खेती ना हो और इसमें हम तकरीबन जो आप बता रहे हैं हरिद्वार से जब प्लेन में मिलती है और गढ़गंगा तक या उससे आगे भी अगर हम दोनों तरफ इसमें वेटीवर लगा दिया जाए तो कटान भी कम होगा, कटान भी कम होगा, बाढ़ भी नहीं आएगी और पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और ये जो जहर मिला रहे हैं और पेस्टिसाइड्स मिला रहे हैं ये तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और इसका जो मेरे ख्याल से जो सबसे आसान तरीका है ड्रोन से इसका सर्वे होता रहे, ड्रोन से मॉनिटरिंग होती रहे, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो या जो पूरा सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट का, वन विभाग का मैट रहता है, चौकीदार रहता है, दो पोस्ट वन विभाग की है, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका लेखपाल और अमीन और कानो वो तीन लोग रहते हैं। तीन लोग इसी काम के लिए होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट की लैंड पर अनऑथराइज पजेशन ना करे, परंतु वही लोग जब बाड़ी खेत को खाती है तब यही होना, वही लोग वहां पर उस ठेके पे देते हैं। अभी एक लेखपाल जानसठ तहसील का जिस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति पकड़ी गई, ऐसे ही बिजनौर का लेखपाल जिस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ऐसे ये सब लोग वहीं जमे हैं पुरानी पुरानी सीटों पर। और ये सब उच्च अधिकारियों तक डीएम तक तो मेरे ख्याल से बात जाती ही नहीं कि कितने बड़े लार्ज स्केल पर ये लोग अवैध धन वसूल करके गंगा के बेसिन में खेती कराते हैं। खेती कराए लेकिन खेती तो नुकसान बहुत कर रही है ना, खेती से गंगा जल खराब हो रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। तो इसमें लगता है कि हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल में प्रधानमंत्री तक ये बात तो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पहुंचेगी तो इसी तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और गंगा को शुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक इन चीजों को खत्म नहीं किया जाए। और ये सूस जो आप बता रहे थे गैंजेटिक डॉल्फिन, ये तो वैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज में है और इस तरीके से ये जो जहर डाला जा रहा है उसी से जो कि जो आपने जो मेडिसिन बताई जो डाला ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन जो है ये तो वैसे बैन भी हो गया है, ये बैन हो गया, बट ये उन जो प्लेस खेती करते हैं आप देखिए ना, एक साइज की लौकी आपको मिल रही है वो रात को लगाया जाता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, सुबह लौकी उसी साइज की हो जाती है, हार्मफुल है। आज जो व्यक्ति उसकी खाता है सब्जियां, तरबूज खरबूजा ककड़ी खीरा लौकी जो भी खाता है, उसकी जो जेनेटिक पावर्स है वो जेनेटिक मॉड्यूल ही उसका चेंज हो जाता है, इनफैक्ट बांझपन उसमें आ जाता है, कैंसर प्रोडक्शन का नेचुरल बॉडीज के अंदर सबसे बड़ा कारण है। जो गिद्ध खत्म हो गए वो भी इसी दवाई से खत्म हो गए। जी जिन पशुओं के ये इंजेक्शन लगाया जाता था उनका मांस उन गिद्धों ने खाया और वो सब इस पे उनके अंडे जो है वो फूट जाते थे समय से पहले और उससे उनकी वो पूरी एक स्पीशीज खत्म हो गई। चलो विनोद कुमार जी बड़ा अच्छा लगा, आपसे जुड़े रहेंगे और देखेंगे किस तरीके से गंगा का कुछ भला हो सकता है। और आपकी बात जो मैं आज पहली बार संज्ञान में आई है और इस बात को हम फैलाएंगे कि ये जो परेज की खेती गंगा जी के ऊपर हो रही है और जिसमें ये भ्रष्टाचार हो रहा है कि लोअर लेवल के लोग जमीन बांट बांट के पैसा बना रहे हैं और गंगा जी को तहस नहस कर रहे हैं, किस तरीके से क्या हो सकता है उसके बारे में देखेंगे।